क्या से क्या हो गया, सोचा भी ना था कि ममता के साथ ऐसा हो जाएगा। दीदी का गुस्सा उन पर ही भारी पड़ गया और हुआ क्या, वही आज आपको बताएंगे। क्योंकि ममता बनर्जी पर तीन बड़ी मुसीबतें आ पड़ी, तीन बड़ी मुसीबतें। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण और दूसरी तरफ ये तीन मुसीबत क्या कहती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी मुसीबत आपको बता देते हैं, वो है ममता दीदी के गढ़ में भगदड़। जी हां, भगदड़ मची है। आपको बताया था 50 से ज्यादा पार्षद, 2 विधायक, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार तो एक मुस्लिम विधायक मोनिरुल इस्लाम भी उनकी पार्टी को छोड़कर भगवा पहन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक भाषण दिया था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो क्या ये उसी का नतीजा है, क्या सबका विश्वास अब उनकी तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि मुस्लिम विधायक का आना ममता दीदी के लिए बहुत बड़ा झटका है। जिस तरीके से ममता दीदी दिखाई देती हैं, गुस्से में नजर आती हैं, वो कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है और अब उनका नुकसान हो रहा है। एक बयान हमने आपको पिछली बार सुनाया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 40 विधायक दीदी आपके हमारे संपर्क में हैं। तो क्या ये एक एक कर करा रहे हैं? ये सबसे पहला झटका है। अब बात दूसरी बड़ी मुसीबत की। दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि ममता दीदी के गढ़ में मोदी ने अपने शपथ के दौरान ही सबसे ज्यादा मंत्रियों की लिस्ट बना ली है। यानी पश्चिम बंगाल में मोदी का फोकस है और इसीलिए मंत्री इस बार पश्चिम बंगाल से ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि सीटें 118 पर पहुंच गई। और जब सीटें 118 पर पहुंची है तो वहां मेहनत हुई है, मेहनत हुई है तो फल भी दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी की नजर पश्चिम बंगाल पर है और इसीलिए वहां पर मंत्री आएंगे तो काम होगा, जनता को अपने साथ जोड़ा जाएगा। और 2021 के चुनाव में क्या होगा, वक्त बताएगा। वक्त क्या बताएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, शायद ऐसा ही कहा जा सकता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कहा था पार्टी ने, जो बीजेपी बोली थी, हुआ कुछ ऐसा ही। 18 सीटें थी और ममता दीदी का गुस्सा इतना ज्यादा था कि मोदी के शपथ ग्रहण में भी नहीं पहुंची। और मुसीबत नंबर 3, तीसरी बड़ी मुसीबत आपको बता दें, तीसरी बड़ी मुसीबत है कि ममता बनर्जी वही कर रही है जो तमाम पार्टियां करती आई और नतीजा क्या हुआ सबने देखा। कांग्रेस ने क्या किया, सिर्फ मोदी की बुराई। आम आदमी पार्टी ने क्या किया, सिर्फ मोदी की बुराई। समाजवादी पार्टी और बसपा ने क्या किया, मोदी की बुराई। ममता दीदी भी वही करती आई, नतीजा क्या हुआ, जो सीटें पहले 34 थी वो महज 22 पर सिमट गई। 18 सीटें बीजेपी को मिल गई, जो महज सीटों के लिए वहां पर तड़प रही थी उन्हें अब 18 सीटें। और ममता बनर्जी गढ़ में जबरदस्त सेंध। लेकिन ममता बनर्जी सुधरी नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो अपने प्रवक्ता हटा लिए, उन्होंने कहा अभी कोई बुराई और किसी बात पर कोई बात नहीं होगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी धरने वाला काम कर रही है और धरना प्रदर्शन से मोदी को घेरने का काम। एक चीफ मिनिस्टर ऐसा करेगा तो जनता में कैसा मैसेज जाएगा? ये मुसीबत कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है ममता बनर्जी को और उन्हीं पर ये उल्टी पड़ सकती है। जनता क्योंकि सब जानती है, सब देखती है, ऐसे में ममता दीदी इन काम को छोड़कर आपको सिर्फ काम पर फोकस करना पड़ेगा। और अगर काम पर फोकस होगा तो जनता है जो सब जानती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, तीन मुसीबतें ममता दीदी की कैसी लगी, अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हेडलाइंस इंडिया आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और वीडियो को तमाम प्लेटफॉर्म्स पर शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।